और ये देखो बैरिकेडिंग, पहली बैरिकेडिंग आ गई है यहाँ पे। जो लोग अभी हाल फिलहाल में ट्रेवल करेंगे, जो सेकंड फेज आ गया है किसान आंदोलन का, तो दिल्ली के बॉर्डर्स तक पहुंच चुका है वह। तो हम लोग जा रहे हैं मेरठ, और ये देखने के लिए कि किसान आंदोलन का कितना अभी इफेक्ट है। और जो लोग अभी हाल फिलहाल में ट्रेवल करेंगे, जो सेकंड फेज आ गया है किसान आंदोलन का, तो दिल्ली के बॉर्डर्स तक पहुंच चुका है वह। तो आज अभी हम लोग जा रहे हैं आश्रम चौक फ्लाईओवर के ऊपर से। अभी तक रास्ता क्लियर है, तो हम लोग निकले थे लाजपत नगर से, और लाजपत नगर से निकलते हुए हम पहुंच गए हैं ये रिंग रोड के ऊपर। रिंग रोड पर भी एक रास्ता अपना नोएडा जा रहा है DND, और लेफ्ट हम लोग जाएंगे रिंग रोड के लिए, जो कि हमें फर्दर कनेक्ट करेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में सरायकाले खास। तो ये ऊपर जो है जा रहा है ये बारापुला फ्लाईओवर, और यहीं से मेरे को ट्रैफिक मिल गया है। बट ये जो ट्रैफिक है ये रूटीन ट्रैफिक है, तो अगर हम नॉर्मल डे वर्किंग डे में आते हैं तो यहाँ पर ही हमारे को मिलेगा, क्योंकि ट्यूसडे है आज और नॉर्मल ट्रैफिक चलता रहता है। तो उसमें जो है प्रॉपर ट्रैफिक, ये अभी मैं नहीं बोल सकता कि अभी एक आंदोलन की वजह से है ट्रैफिक जाम, बट ये जो है ट्रैफिक अभी ये यहाँ पे मेरे को मिल चुका है। तो ये जो मेरा आइडिया है स्ट्रेच रहता है ये, जब तक हम एक्सप्रेस वे वाला फ्लाईओवर कनेक्ट नहीं करेंगे सरायकाले खां का, जो रैपिड रेल का जो मेट्रो स्टेशन बनना है उस, जब तक वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे तब तक वहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा उसके लिए। देखो सामने है ये RRTS का जो निजामुद्दीन का सरायकाले खां का जो स्टेशन है वो रहा, और अभी टोटल मेरे को लगे हैं 7 मिनट। तो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच पार करने में लगे मेरे को 7 मिनट। तो ट्रैफिक है, रूटीन ट्रैफिक है यहाँ तक, तो जो मेरे को लगा अभी तक कि सामने रास्ता क्लियर है। अभी हम फर्दर यहाँ से जाएंगे और अभी देखेंगे एक्सप्रेस वे जो हम एंट्री करेंगे सर्विस रोड से, तो उसके बाद आगे देखेंगे कि उसमें आगे जाके कैसा भी हमारे को ट्रैफिक मिलता है। तो अभी इसमें हम चलते रहते हैं और देखते हैं आगे जाके क्या होगा इसमें। तो मैं एंट्री लेने वाला हूँ अब अपनी गाड़ी से ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर। यहाँ से होता है एक्सप्रेसवे कनेक्ट, और ये फर्दर गाजियाबाद नोएडा और आगे फिर लखनऊ तक ये सीधा अपना चला जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से जो है अपना एंट्री कर चुके हैं। अभी ये क्या है, एंट्रिंग पॉइंट है। अभी फर्दर जब आगे चलेंगे तो मेन एक्सप्रेसवे पे हम लोग एंटर मारेंगे। तो सामने देख रहे हो आप, ये यमुना नदी का पुल है जो इस पे, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक, थोड़ा कंजेशन मेरे को दिख रहा है। तो जैन शिकंजी यहाँ पे जो है ये हाईवे नेस्ट मिनी बना हुआ, इसकी वजह से आई थिंक ये लगा हुआ है। तो मैं थोड़ा घबरा गया था यार, अभी से ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा, अब तो स्टार्ट भी नहीं किया हम लोगों ने। तो अभी चलते हैं इसको, पुल को पार करके फिर एंटर करेंगे एक्सप्रेस वे के। सामने एंट्री पॉइंट नंबर 1 है, तो यहाँ पे एंट्री 1 है ये सामने जो एक्सप्रेस वे है उसके लिए। और ये फास्टैग यहाँ से आपका स्कैन कर लेगा, जो ऊपर देख रहे हो प्लेट्स लगी फास्टैग की है। तो ये फास्टैग का कोई बैरियर नहीं है टोल का। जब हम फर्दर एग्जिट करेंगे जाके एक्सप्रेस वे आगे, अगर मेरठ एक्सप्रेस वे पे हम लोग एग्जिट करेंगे तो वहाँ पे अपना ये टोल अपने आप स्कैन कर लेगा। और अगर बीच में अगर हम लोग कहीं करेंगे तो जो मेरा आइडिया है 70 रुपीज जो मिनिमम है ये अपना डिडक्ट कर लेता है बीच में भी अगर हम कहीं इसको एग्जिट हम करेंगे। तो ये रहा एक्सप्रेस वे, इस पर जो स्पीड लिमिट है दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हम लोग चल रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की तरफ, जो कि रास्ते में पड़ेगा हमारे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के। और वहाँ पर देखेंगे चल के कि वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट है ट्रैफिक का और किसान आंदोलन का कि नहीं है। ये बराबर में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे है खेलगांव, और सामने जो आप देख रहे हो बहुत ही वर्ल्ड फेमस अक्षरधाम मंदिर, जो कि ये यहाँ पर आप इसको मिलेगा आपको जब हम एंटर करेंगे एक्सप्रेस वे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा जब हम दिल्ली से जाएंगे मेरठ की तरफ। हल्का सा चौक हो रखा है ट्रैफिक यहाँ पे, और ये देखो बैरिकेडिंग, पहली बैरिकेडिंग आ गई है यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है। प्रॉपर चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, दिल्ली पुलिस की जो है पहली बैरिकेडिंग है। और ये साइड पड़ती है हमारी जब हम जा रहे हैं एक्सप्रेस वे पे दिल्ली की तरफ से मेरठ। तो ये पहला ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे जो है चेक पॉइंट लगा हुआ है, रोड ब्लॉक करने की तैयारी पूरी है। एक एग्जिट पॉइंट है जो कि जाता है ये आई थिंक गाजियाबाद वसुंधरा वैशाली के, यहाँ पे एग्जिट है। और जहाँ तक मुझे पता है ये किसान आंदोलन का जो रूट है कौशाम्बी वाला, उसी के लिए एग्जिट है। और यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, तो यहाँ पे ट्रैफिक जनरली रहता भी है, बट अभी श्योर नहीं हम लोग की भी किसान आंदोलन की वजह से ट्रैफिक है या कैसा है। तो अभी सस्पेंस बना हुआ है, अभी देखते हैं आगे चल के कि ये ट्रैफिक उसी का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सामने जहाँ तक वो आ चुका है बॉर्डर, तो अभी आप लोग देखते रहो। अभी हम लोग थोड़ा जा रहे हैं, गाड़ी को अपना स्पीड पकड़ाते हैं, और गाजीपुर बॉर्डर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। सामने से देखो ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो गया है लेफ्ट हैंड साइड में, आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में किस तरीके से गाड़ियों की सर्विस रोड है, ये सर्विस रोड पर पूरी लगा जो है लाइन लगी हुई है। और अभी हम लोग सामने आ गए हैं, ये हमारा गाजीपुर बॉर्डर। तो गाजीपुर बॉर्डर पे पूरे जो है इंतजाम यहाँ पे सरकार ने
कर रखे हैं और मुझे नहीं पता कितना लंबा जो है ये अपना जाम यहाँ पे होने वाला है। जब हम यहाँ पे पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर पर जो ट्रैफिक जाम है, अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:23। अब देखें कितनी देर में हम लोग इस ट्रैफिक से निकल के यूपी में एंटर करते हैं। एक चीज दिखाते हैं हम लोग आपको, ये सामने आपको दिख रहे हैं ये टेंट और जो कंटेनर सामने जो है, ये सामने जो आप कंटेनर दिख रहे हैं ये रखे गए हैं मिट्टी भर के रखने के लिए, सो दैट अगर यहाँ पे कुछ व्हीकल्स ट्रैक्टर अगर आते हैं जेसीबी आती है तो उसको ये ब्लॉक कर सके। और सामने मेरे बैरिकेडिंग लगने वाली है, लगी हुई सॉरी बैरिकेडिंग, वहाँ पे तो हम लोग पहुँचने वाले भी आपको दिखाएंगे। सरकार की तरफ से पानी की व्यवस्था यहाँ पे मुहैया करा दी गई है और पूरा सपोर्ट है आम आदमी पार्टी का पंजाब से लेके दिल्ली तक। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है और दिल्ली में भी सरकार जो आम आदमी खड़ी है। और बस आई थिंक जो है ये सुरक्षा बलों के लिए खड़ी हुई यहाँ पे, जिससे सुरक्षा बल आए हुए हैं। तो अभी देखो आगे कंटेनर, देखो कंटेनर कंटेनर भी लगे हुए हैं, पूरे डंपर लगा रखे हैं, इवन कंटेनर भी लगा रखा है, 40 फीट कंटेनर लगा रखा है जिसमें कि एक्सपोर्ट होता है। सामने बैरिकेडिंग, ये पुलिस बैरिकेडिंग यहाँ पे, इसकी वजह से कि ट्रैफिक स्लो है एकदम, और दोनों तरफ पुलिस का मूवमेंट भी है, सीआरपीएफ जो बल है उनका भी मूवमेंट है। अभी बैरिकेडिंग, ये बॉर्डर हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं एकदम, बट ट्रैफिक यहाँ पे स्लो है बैरिकेडिंग की वजह से। तो वो देखो रोड रोलर भी है सामने, अब इधर दिखेगा रोड रोलर भी है। तो मेन गाजीपुर बॉर्डर से हम लोग, और ये देखो एक क्रेन भी लगा रखी है यहाँ पे, और ये सरकार की तरफ से एक क्रेन, एमसीडी की तरफ से एक क्रेन लगी हुई है यहाँ, ये देखो क्रेन लगा रखी है, डंपर लगे हुए हैं, कंटेनर लगे हुए हैं और उधर और बैरिकेडिंग है। और जहाँ ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था नीचे भी है, हम लोग नीचे जा नहीं सकते यहाँ पे, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। तो ये ऊपर की व्यवस्था है एक्सप्रेसवे की, तो ये एक्सप्रेसवे का हाल है यहाँ का। और साइड में पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और जो सीआरपीएफ को जो पुलिस बल को गाड़ियां लेकर आती है, डीटीसी की वो बसें खड़ी हुई हैं। तो मतलब कि प्रशासन की तरफ से भी तैयारी पूरी है और किसानों की तरफ से तैयारी पूरी है। और ये पुलिस का आला अधिकारियों की, दिल्ली पुलिस का आला अधिकारियों की यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं, ये डंपर खड़ा है और पूरे सुरक्षा बल यहाँ पे खड़ा हुआ है, उधर पूरा सुरक्षा बल जो है पूरा तैनात है यहाँ पर, और एक एक चीज की मॉनिटरिंग बहुत जबरदस्त तरीके से करी जा रही है। ये देखो लाइन से इधर भी दिखाना, इधर भी, इधर ये देखो, ये देखो ये वाओ, ये पूरे डंपर लगा हुए हैं, रोड को ब्लॉक कर देंगे सो देट कोई यहाँ पे आना सके, और मट्टी भर के यहाँ पे ये खड़े हुए हैं इसको जल्दी से हिला ना सके। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहे हैं और इधर यहाँ पे दोनों तरफ पुलिस बल तैनात है। और ये अभी ये इंडिया टुडे जो न्यूज़ वाला है उसकी ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। तो अब यहाँ से हम निकल गए हैं और जहाँ तक मेरा मानना है हम लोग ट्रैफिक से थ्रू हो चुके हैं जो जाम था सिक्योरिटी की वजह से। अब हम लोग आगे जाएंगे मेरठ की तरफ और फर्दर अगर कहीं जाम मिलेगा तो आपको जरूर दिखाएंगे, नहीं तो मेरठ में एंट्री करने के बाद आपको आगे का वीडियो हम लोग दिखाते हैं। सामने दिख गया हमें मेरठ का टोल प्लाजा परतापुर बाईपास पे, इस प्लाजा का नाम है काशी टोल प्लाजा। और रास्ते में हमें कहीं भी किसी तरह कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई जाम नहीं मिला, तो अभी पूरा रास्ता क्लियर है और कोई भी दिक्कत नहीं है किसान आंदोलन की वजह से, सिर्फ सुरक्षा की वजह से अभी यहाँ पे लगाए। लेकिन जैसे न्यूज आ रही है कि अलग अलग बॉर्डर पे सिंघू बॉर्डर जो है मेन हरियाणा का उस पर काफी एकदम संघर्ष वाली स्थिति है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे जो है टोल प्लाजा से जो है इसको अपना यहाँ से अपना क्रॉस कर लेते हैं। सामने यहाँ पे चेकिंग लगी है, लगी है चेकिंग यहाँ पे लगी है, यहाँ पे देखो चेकिंग लगी हुई है। यूपी पुलिस यहाँ पे सतर्क है कि यहाँ पे किसी तरीके का बलवा ना हो पाए, लठ लहराते हुए यूपी पुलिस का लठ। और अभी हम आ गए हैं मेरठ और चलेंगे अपना मेरठ बाईपास पे फर्दर, जहाँ हमें जाना है हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। तो जहाँ हमें आना था हम आ गए हैं मेरठ, और मेरठ आके अपने यहाँ इस मिनी ब्लॉग को करते खत्म। और कल बसंत है तो बसंत का ब्लॉग बनाएंगे, वो आपको हम दिखाएंगे। तो इस ब्लॉग के देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।